जय हिंद वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2023-24 के बारे में। जी हां दोस्तों, आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा कि आखिर दोस्तों भर्ती का नोटिफिकेशन क्या समय पर आएगा, क्या आपको आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी और कितनी वैकेंसी आएगी, इसको लेकर भी बड़ा कन्फ्यूजन है। दोस्तों सभी को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, एक लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। वीडियो में दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों विद प्रूफ के साथ हम आपको देने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। वही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर ले। और दोस्तों एज को जो रिलैक्सेशन मिलना है उस पर आपकी क्या राय है, क्या एज में 2 साल की छूट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, दोस्तों आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों कंप्लीट जानकारी हम यहां देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेता हूं कि आपको कंफर्मेशन कब हुआ, इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेता हूं कि नोटिफिकेशन इस दिन आने वाला है, क्योंकि दोस्तों कंफर्मेशन तब हुआ जब दोस्तों एसएससी ने है अपना कैलेंडर में अपडेट किया। एसएससी नया कैलेंडर जारी नहीं किया, एसएससी ने दोस्तों अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो जारी किया, तब आपको कंफर्मेशन हुआ कि हाँ वैकेंसी आने वाली है। परंतु दोस्तों हमने ये कंफर्मेशन होने से पहले ही आपको जानकारी दी थी कि आपकी निश्चित तौर पर है वो वैकेंसी आएगी, और दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद में यहाँ वैकेंसी अपडेट हुई। वैकेंसी किस में अपडेट हो चुकी है यहाँ देख सकते हैं, लास्ट का जो पॉइंट है वो है कांस्टेबल जीडीएन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ राइफल जीडीएन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024। दोस्तों नोटिफिकेशन है वो इस कैलेंडर के अनुसार 24 नवम्बर को आना है। परंतु एक बात दोस्तों एसएससी ने अभी बड़ा बदलाव है वो कर दिया है, क्या कर दिया है लगातार दोस्तों कांस्टेबल जो आपका दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन जा चुका है, 30 सितंबर तक फॉर्म भरे गए थे, उसके बाद तो अगला नोटिफिकेशन जारी होना था वो कौन सा होना था, मल्टी टास्किंग स्टाफ सिविलियन इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। ये दोस्तों नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को आना था, परंतु दोस्तों आज 13 अक्टूबर हो चुका है, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। इसके अपडेट ही नहीं, आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन और दूंगा, और इस भर्ती का एग्जाम है वो कब होना था, फरवरी 2024 में। और दोस्तों इन सभी जो भर्तियां हैं इनका एग्जाम भी फरवरी मार्च में होना है, और दोस्तों इसी के साथ जीडी का भी एग्जाम है वो फरवरी मार्च 2024 में होना है। ये नोटिफिकेशन अभी तक एसएससी ने जारी नहीं किया है। इसी के साथ दोस्तों बता दूं कि कल ही एसएससी की तरफ से कुछ और पोस्ट है जिनका एग्जाम का शेड्यूल है वो जारी कर दिया है, जिसके आप देख सकते हैं कि ये वो सारी पोस्ट है जो उसके बाद की पोस्ट है। यानी दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि इसके बाद की मल्टीटास्किंग की जितनी भी सारी पोस्ट है उनको दोस्तों आपका एग्जाम डेट जारी कर दिया है। ना तो दोस्तों यहां जारी की गई है मल्टीटास्किंग की, ना ही जीडी की आपकी कोई भी एग्जाम डेट जारी की गई है। यानी मैं कहूं तो दोस्तों कुछ इसमें डिले आपको देखने को मिल सकता है। इन दोस्तों जो भर्ती आपकी 24 नवम्बर को आनी थी उसमें दोस्तों एक बड़ा बदलाव आपको अभी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जल्द से जल्द दोस्तों एक नया कैलेंडर है वो एसएससी की तरफ से जारी किया जाएगा, जिसमें दोस्तों ये 2 वैकेंसीज प्लस दोस्तों है वो कुछ वैकेंसीज आपके 2024 में जो आनी है उसमें बड़ा बदलाव किया जाएगा। जो एग्जाम दोस्तों आपकी होनी है फरवरी मार्च में, दोस्तों वो मार्च आपकी मार्च अप्रैल में एग्जाम होने की उम्मीद है वो एसएससी की तरफ से जताई जा रही है। जल्द से जल्द आपका एक बार फिर से कैलेंडर अपडेट होगा। पहली बार दोस्तों ये जो हो चुकी है, उसके बाद दोस्तों बता देना चाहता हूं अगर आप एसएससी जीडी के दोस्तों साथियों तैयारी कर रहे हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक परचेज कर सकते हैं, जो स्पेशली आपके एसएससी जीडी के लिए है, जो स्टडी गाइड आपकी रहने वाली है जिसमें दोस्तों आपके सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, 2500+ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5-16 पेपर जो पिछले सालों के हैं वो भी है, बेहतरीन दोस्तों आपकी बुक रहने वाली है। बुक दोस्तों परचेज करना चाहते हैं और इसी के साथ बुक के साथ साथ दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, अभी जाके दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों अभ्यर्थी किस बात को लेकर कंफ्यूजन में है, दोस्तों वैकेंसी को लेकर कंफ्यूजन में है, कि मैं बता दूं कि आपके पास 3 से 4 लिस्ट आ चुकी है, पहले 84,000 की आई, उसके बाद दोस्तों आपके उससे कम भी आई जिसमें वैकेंसी बहुत कम थी 899 और दोस्तों काफी कम वैकेंसी, अभी दोस्तों आपके पास 75,700+ की वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों हमने शुरुआत से ही आपको एक बात समझाई थी कि जो वैकेंसीज होंगी वो दोस्तों वैकेंसीज है आपके पास 30,000 के आसपास होने वाली है, कितनी होगी 30,000 से लेकर 40,000 के बीच, क्योंकि दोस्तों जो वैकेंसीज आप लगातार देख रहे हैं वो वैकेंसीज वैकेंट वैकेंसीज है, ना कि आपके लिए नोटिफिकेशन में इतनी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है।
30 से 40 हज़ार वैकेंसी होगी। और दोस्तों अभी जो स्टार्टिंग होगी उसमें इससे भी कम हो सकती है, जो वैकेंसी बढ़कर 30 से 40 हज़ार आपके लास्ट टाइम होने वाली है। जिस प्रकार 2022 में नोटिफिकेशन था, 23 में अभी भर्ती पूरी हुई है उसमें आपको देखने को मिली। तो ये सारी चीजें सर्कुलेट होती रहेगी, जब तक आपकी फाइनल वैकेंसी नहीं आएगी तब तक ये सारी चीजें सर्कुलेट है वो लगातार आपको देखने को मिलने वाली है। परंतु वैकेंसी जो अच्छी खासी होगी, अब मैं एज क्राइटेरिया पर बात कर लेता हूं, एज में दोस्तों बात कर लेता हूं। तो पहली बात दोस्तों, जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2000 दोस्तों है वो 23 से काउंट होने वाली है। और इसके बाद दोस्तों बात करूं तो ये वैकेंसी डिले होती है तो दोस्तों 1 2024 से भी एज है वो काउंट हो सकती है, अगर वैकेंसी डिले होगी। अभी के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी आपकी कई सारी डिले हो रही है, अगर जीडी की वैकेंसी भी डिले होती है, और दोस्तों पहले भी बता चुका हूं और अभी भी 100% आपको कह रहा हूं कि आपको लगभग 2 साल का, कितने साल का, 2 साल का एज में रिलैक्सेशन है, वो छूट है, वो एसएससी की तरफ से दे दी जाएगी, क्योंकि वैकेंसी ही चुनाव के लिए है और आपको निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलने वाला है। समय आपके पास तैयारी के लिए बहुत कम रहेगा और इस बार पेपर का लेवल भी थोड़ा सा आपको और देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मैं जो बच्चे बोलते हैं कि सर कोविड की वजह से है वो पिछली बार वैकेंसी में रिलैक्सेशन दिया गया, तो कोविड है वो 2021 में ज्यादा इफेक्टेड था, ना कि 2022 में ज्यादा इफेक्टेड था। यहाँ कुछ और भी मैंने आपको चीजें हैं वो पिछले वीडियो में बताई थी। और दोस्तों जो रिलैक्सेशन है वो निश्चित तौर पर आपको मिलेगा, यानी दोस्तों जो आपकी एज है जनरल की 18 से लेकर 23 तक है, वो 25 तक ओबीसी के दोस्तों है, यहाँ आप देखेंगे 28 तक, और दोस्तों एससी एसटी की एज है वो 30 साल तक होगी, यानी ईडब्ल्यूएस की एज आपकी 25 साल तक ही है, वो जनरल के समान आपको देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन में ज्यादा डिले नहीं देखने को मिलने वाला है, तो तैयारी में जी जान से आप जुड़ जाइए, बेहतरीन तैयारी में जुड़ जाइए। आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आगे की अपडेट भी आपको सबसे पहले है वो हमारे साथ मिल सके। वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक आपसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।